अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से हमारे व्लॉग का पार्ट 3 स्टार्ट होता है। पिछले दो पार्ट्स में हमने खलतूर एक्सप्लोर किया, उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने पास क्रॉस करके हम नीचे आए हैं। तो अभी हम बैठे हैं कार्गो में, कार्गो बगरोट। मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो इस टाइम, 8 घंटे हाइक करके कार्गो पहुँच गए। सुबह नाश्ते पे निकले थे, 8 बजे नाश्ता किया था, 8:30 को निकले थे, अभी 4 हो रहे हैं, 4 बजे हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो तीसरा पार्ट कार्गो, लेट्स गो। क्या सूरत हाल है एहरार भाई? बहुत थकावट है, बस ये सीन है। सुबह नाश्ते पे हैं और एक पार्ट चढ़ के दूसरे साइड पे आ चुके हैं और नाश्ते के बाद कुछ खाया नहीं है, तो बस रास्ते में सूरज बहुत था इसलिए बहुत मुश्किल हुआ नीचे चढ़ना। बाकी अभी इजी सीन है, अभी बॉयज ने कैंप सेटअप किया है, होपफुली कुछ पकाया होगा तो जाके खाएंगे, ये सीन है। नीचे लगे हैं पकाने में, क्या पकाया है? पानी पानी गरम किए, पानी गरम किए, पीना है तो आओ। अभी हम मैगी वगैरह खाया है अभी, तो हमने सोचा था कि यहाँ पे हम लोग स्टे वगैरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेंट वगैरह लगाने के लिए कोई जगह नहीं है और लकड़ी लाने के लिए यहाँ पीछे जो जंगल दिख रहा है ना उसके पास हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने सोचा है कि सूरज है अभी, धूप है, तो हम लोग नीचे चले जाएँगे जहाँ पर जंगल वगैरह है, वहाँ पर टेंट वगैरह भी लगाएँगे और वहीं पर स्टे और रात का खाना वहीं पर ही खाएँगे और कल यहाँ से नीचे जाएँगे और वहाँ से सीधा घर। अभी हम अपने दूसरे स्पॉट पर आए हैं जिस जगह पर हम लोग कैंपिंग वगैरह करने वाले थे और खाना वगैरह रात का खाने वाले थे। तो ये जो पीछे जगह है, थोड़े से लकड़ी जो नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग बॉनफायर करने वाले और उसके लेफ्ट साइड पे हम लोग अपने कैंप लगाने वाले हैं। सो यहाँ ऊपर जंगल वगैरह है तो हम लोग लकड़ी वगैरह नहीं काट रहे, यहाँ के लोगों ने जो लकड़ी काटे हुए हैं वही ला रहे हैं, जो सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। डे 4 हमारे आज शुरू हो गया गार्गो वैली में। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और बाकी लोग पैकिंग कर रहे हैं पीछे। उसके बाद आज डे 4 है, लास्ट डे है, तो हम लोग आज नीचे जाने वाले हैं, उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। तो ये वाला हमारा रास्ता है, यहाँ से हम लोग आज जाने वाले हैं नीचे की तरफ। है रास्ता सीधे सीधा तो इतना इशू नहीं होगा चलने के लिए। सो आगे देखते हैं। Thank you.
सो हम लोग अपने कैंपिंग साइट से निकले थे, कोई 45 मिनट्स हो गए हैं। तो मौसम हल्का सा ख़राब टाइप हो रहा है, हल्की सी बारिश हो रही है। तो दुआ है कि नीचे जाते वक्त बारिश ज़्यादा ना हो, हल्की सी हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बारिश ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो फिर मसला होगा चलने में। मैंने अभी कहा था कि तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहें और नीचे कहीं पे कोई घर वगैरह देख लें खाली। गार्गो वैली में इतनी ग्रीनरी क्यों है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेन्स। यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर गार्गो वैली वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाइज़ हम लोग अभी बग रोड पहुँचे हैं, अभी होटल पे हैं, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है। उसके बाद डेविड का इंतज़ार कर रहे थे, डेविड दूसरे रास्ता लेके चला गया, दरिया के उस पार गया शायद, पता नहीं है अभी। वजात और रईस उसको ढूंढने के लिए गए हैं। अभी यहाँ से गाड़ी वगैरह तो मिलेगी शायद, वो लोग कह रहे थे कि गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, तो वो लोग आएंगे तो हम फैसला कर लेंगे कि गाड़ी का क्या सीन है। किधर से हो आप? मैं इधर, ये एक बाल्टी 4-5 मिनट है उनको लेके वापसी। आप लोग किधर से साहब? हम उधर क्लास कहीं से आए हैं। 11 अगस्त फ्राइडे के दिन से हमने अपना हरामुश्तुबक रोड ट्रिप स्टार्ट किया था। आज मंडे 14th ऑफ अगस्त हमने सक्सेसफुली अपना ट्रिप कंप्लीट किया है। तो आज हमारे लिए दो खुशी के मौके हैं, एक तो हमने अपना ट्रिप कंप्लीट किया, दूसरा पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। तो अगर आप लोगों को हाइकिंग का शौक़ है, नेचर से लगाव है, गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को आपने देखना है और पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।